अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ घर के बने हुए विदाउट ओवन चिकन नान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं। तो इसे बनाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप नीम गर्म पानी लिया है, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा और ना ही बहुत ज्यादा गर्म। अब इसमें 1.5 टीस्पून ईस्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून शक्कर डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हो सके तो इसे 5 मिनट मिक्स करने के बाद छोड़ दीजिए, तो डो बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगा। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 कप दही और 1/4 कप ऑयल डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। दही को अच्छी तरह से फेर लीजिएगा, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब इसमें 4 कप मैदा डालेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। फिलहाल तो अब इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसे यहीं गूंदेंगे। अगर जरूरत होगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। तो डो रेडी हो गया है। अब इस पर ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे राइज होने तक रख देंगे। अगर मौसम ठंडा है तो इसे 2 से 2.5 घंटे भी लग सकते हैं राइज होने के लिए, वरना गर्मी के दिनों में ये 1 घंटे के अंदर ही राइज हो जाता है। तो इसे ढककर किसी गर्म जगह पर रख देंगे जब तक हम नान की स्टफिंग रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बॉइल्ड आलू लिए हैं और 300 ग्राम ही बॉइल्ड श्रेडेड चिकन लिए हैं। इसे बॉइल करने के लिए अदरक लहसुन नमक और थोड़ा सी काली मिर्च डालकर बॉइल कर लीजिए। 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट करके डालेंगे और 3 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डालेंगे, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून भुना हुआ बारीक कुटा हुआ जीरा, 2 टेबल स्पून भुना हुआ बारीक कुटा हुआ धनिया। इसे डालने से नान का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसे स्किप मत करिएगा। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, अजवाइन को क्रश करके डालिए, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से ही डालिए, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 2 टेबल स्पून नींबू का रस डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी डाल दीजिए, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। आलू को भी अच्छी तरह से स्मैश कर लीजिए। तो स्टफिंग भी रेडी हो गई है और डो भी देखिए अच्छी तरह से राइज हो गया है। इसी तरह देखिए आटा फूलना चाहिए तो ही अच्छी तरह से नान बनेंगे। अब इसकी एक बड़ी सी लोई ले लेंगे, हम इसके नान बनाने वाले हैं तो इसीलिए आटा भी थोड़ा ज्यादा ही लेंगे। अब सूखा आटा लगाकर इसे थोड़ा सी बेल लेंगे। अब हमने जो स्टफिंग बनाई थी उसे डालेंगे। जितना मैंने लोई ली थी उतना ही मैंने स्टफिंग भी लिया है। अब जिस तरह हम आलू का पराठा बनाते हैं इसी तरह इसे गोल करते हुए इसे बंद कर देंगे। अब हाथों से ही इसे फैलाते जाएंगे, जितना रोटी का साइज होता है उतने साइज तक हम इसे हाथ से फैलाते हुए जाएंगे। अगर आपके हाथ पर स्टिक हो रहा है तो थोड़ा सी सूखा आटा लगा लीजिए और इसी तरह इसे स्प्रेड करिए। इस तरह हाथ से फैलाने से इसकी स्टफिंग इवन होगी। अब इस पर थोड़ा सूखा आटा लगा लीजिए और हल्के हाथ से इसे बेल लीजिए। हम इसके नान बनाने वाले हैं तो थोड़ा मोटा ही बेलिए। तो नान को बेल लिया है, अब हाथों को गीला कर लीजिए और उंगलियों से नान के ऊपर होल कर लीजिए, इससे नान का शेप बहुत अच्छा आता है। तो नान रेडी है, अब इसे सेकेंगे। तो नान को उठाकर तवे पे डालेंगे, जिस साइड हमने होल किया है उसे ऊपर साइड ही रखेंगे। गैस की फ्लेम स्लो ही रखेंगे और इस पर थोड़े सी पानी छिड़केंगे। अब इस पर कलौंजी और सफेद तिल डालेंगे। पानी डालने की वजह से ये इस पर अच्छी तरह से स्टिक हो जाती है, तो आप इस पर पानी छिड़क कर ही इसे डालिएगा। कलौंजी और तिल के बिना नान अधूरा है, तो इसे जरूर डालिएगा। तो नान डालकर मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, ये हल्का सा सेके गया है। अब इसे ढककर 10 मिनट तक पकने देंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये ऊपर से अच्छी तरह से फूल भी गए हैं। अब ब्रश से इस पर बटर लगाएंगे, जिससे ये सॉफ्ट भी होंगे और इनका कलर भी अच्छा आएगा। अब इसे टर्न कर लेंगे। माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, यानी ये इस साइड से अच्छी तरह से पक चुका है। अब इस साइड भी थोड़ा बटर लगा लेंगे और इसे फिर से ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। एक नान बनाने के लिए कम से कम 15 से 16 मिनट लगते हैं।
अब फिर से इसे टर्न कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है। अब फिर से इस पर बटर लगा लेंगे और इसे निकाल लेंगे। बटर लगाने से इस पर बहुत ही अच्छी शाइन भी आती है और ये सॉफ्ट भी रहते हैं। आप चाहे तो इसे स्टोर करके फ्रिज में रख कर भी खा सकते हैं। बस इसी तरह इसे बाद में गर्म कर लीजिए। तो विदाउट तंदूर चिकन नान रेडी हो गया है। यकीन करिए ये बहुत ही टेस्टी बना है और देखिए कितना सॉफ्ट है। जिस साइड भी हम इसे मोड़ते हैं ये मुड़ जाता है। आप इसे हरी चटनी या लाल चटनी के साथ सर्व कीजिए या फिर आप इसे मेयोनीज के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ये इतना टेस्टी बना है कि मैंने तो इसे विदाउट चटनी ही खाया है। तो इस टेस्टी नान को आप जरूर ट्राई करके देखिए। यकीन मानिए कि आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।